ओके तो आज के वीडियो में हम डिपॉजिट करना सीखेंगे, ठीक है। लास्ट का जो वीडियो था जिस पे मैंने बताया था कि विनप्रो एफएक्स पे मतलब कैसे रजिस्टर करना है, फिर कैसे लॉग इन करना है और कैसे कैसे उसका डैशबोर्ड है, प्लस मतलब फिर लाइव अकाउंट कैसे ओपन करना है, फिर लाइव अकाउंट को मेटा ट्रेडर 5 मतलब MT5 से कैसे कनेक्ट करना है, उसका लॉग इन पासवर्ड किधर आता है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना अगर आपको मतलब नहीं आता। वैसे तो विनप्रो एफएक्स का मतलब यूज़र इंटरफेस इतना सिंपल है कि बस आप पढ़ पढ़ के आराम से हर एक ऑप्शन पे मतलब यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बट फिर भी डिपॉजिट का मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। इसका भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आपको आती होंगी बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये MT5 का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे भी मिल जाएगा मेटा ट्रेडर 5, ठीक है। इस पे हमें क्लिक करना होता है और क्लिक करने के बाद में ये जो अपना लाइव अकाउंट ओपन होता है इसके अंदर, जिसको हम MT5 से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पे ये यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करके हम नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। और ये अकाउंट भी वन ऑफ दी प्रीवियस अकाउंट है जो लास्ट के वीडियो में मैंने ओपन करके दिखाया था, ठीक है। अभी इसको हम डिलीट करना मतलब आर्चिव करना भी सीखेंगे, प्लस नया अकाउंट पहले ओपन कर लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ जिससे कि नए लोगों को भी समझ में आ जाए, ठीक है। ये एज इट इज़ चीज़ों को डिफ़ॉल्ट में छोड़ने के बाद में हम सीधा ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो नया लाइव अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देख लो, ठीक है, ये नया लाइव अकाउंट जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट है, इसी के अंदर हम मल्टीपल अकाउंट लाइव अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। एक का लिमिट अगर एग्जॉस्टेड है या प्रीवियस नहीं यूज़ करना चाहते तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब देख लो, ये नया अकाउंट यहाँ पे अपना ओपन हो चुका है, ठीक है, और ये रहा वो अपना प्रीवियस वाला अकाउंट। अब सपोज़ हमें ये वाला अकाउंट नहीं चाहिए, मतलब इसको हम नहीं यूज़ करना चाहते, जैसे दो दो लाइव अकाउंट यहाँ पे ओपन हो गए या इसका लिमिट एग्जॉस्टेड हो गया, ठीक है, तो हम या जो भी मल्टीपल रीजन्स हो, जो भी रीजन्स हो सकते हैं, इसको डिलीट करने के लिए ये जो एरो देख रहे हो ना, ये वाला एरो, ठीक है, इस पर हमें क्लिक करना होता है। और जैसे इस पर हम ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लो, ये इसका डिटेल्स ओपन होके आ जाता है। तो हमें सिंपली ये दो, ये जो नीचे आर्चिव का ऑप्शन देख रहे हो ये वाला, इस पर हमें सिंपली क्लिक करना होता है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये अकाउंट अपने आप यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और डिलीट करने का पर्पज़ मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि लिमिट एग्जॉस्टेड हो जाए या मल्टीपल अकाउंट्स ओपन है तो हम सिर्फ एक सिंगल यूज़ करना चाहते हैं। तो इस तरह से इसको ये आर्चिव पे क्लिक करने के बाद ये देख लो, ये डिलीट हो चुका है यहाँ पे कम्प्लीटली, और हमारे पास सिर्फ सिंगल यही लाइव अकाउंट बचा, ठीक है। और बेहतर होगा, मतलब आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, डिपॉजिट विदड्रॉल में इजी रहेगा अगर आप सिंगल ही लाइव अकाउंट यूज़ करेंगे अनटिल एंड अनलेस जब तक इसका लिमिट ना एग्जॉस्टेड हो जाए, ठीक है। तो ये डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे डिपॉजिट के लिए, और एज इट इज़ ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है तो यहाँ पे हम USD सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और USD सेलेक्ट करने के बाद में अब देखो, ये जो पेमेंट मेथड है यहाँ पे हमें TRC20 चूज़ करना होता है, ठीक है, USDT TRC20 कस्टम मेथड, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को चूज़ करोगे तो जैसे ही चूज़ करते ये देख लो, डिपॉजिट के लिए हमें QR कोड मिल गया और यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शंस भी हैं जिनको आप रीड कर लेना, ठीक है। और ये ध्यान रखना, डिपॉजिट विद USDT TRC20, और लास्ट के वीडियो में भी मैंने बहुत क्लियर समझाया था कि अगर USDT से डिपॉजिट करते हो, ये QR इस पे डिपॉजिट करना होता है, तो मतलब डिपॉजिट बहुत फास्ट है, मतलब 30 मिनट के अंदर आपका विड्रॉल आ जाता है USDT से। अगर डिपॉजिट वगैरह करते हो, डिपॉजिट एक दो मिनट के अंदर इधर हो जाएगा, ठीक है। ये देख लो, दो इंस्ट्रक्शन है जिनको फॉलो करना होता है, मतलब प्रूफ ऑफ डिपॉजिट इधर जो है, प्रूफ ऑफ ट्रांसफ़र जो इधर अपलोड करना होता है, ठीक है। और QR पे आप जो भी बाइनेंस या बाइबिट वगैरह जो भी यूज़ करते हो वहाँ से आप इसको मतलब क्रिप्टो ट्रांसफ़र करके इधर डिपॉजिट करने का प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। देन वो जो ट्रांसफ़र का प्रूफ होता है उसको इधर अटैच करना होता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन देख लो, MT5 का जो नंबर है ये वाला ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे आपको वो मतलब अपने लाइव अकाउंट का जो हमने मतलब हमारा जो लाइव अकाउंट है MT5 के अंदर का, उसका जो लॉगिन आईडी होता है ये वाला देख लो इधर, ठीक है,
ये जो लॉगिन आईडी होता है, तो इसका ये आईडी डालना होता है। इससे क्या होगा कि आपके उसी ट्रेडिंग अकाउंट में सीधा आपका डिपॉजिट बैलेंस अपडेट हो जाएगा डायरेक्ट। इस वजह से यहाँ पे वो MT5 का नंबर इधर डालना होता है, ठीक है। तो ये जो MT5 के अंदर लाइव अकाउंट, मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट जिसको MT5 से कनेक्ट करते हो, तो उसका ये जो लॉगिन आईडी होता है, ठीक है, तो ये आईडी उधर हमको डालना होता है अमाउंट के नीचे वाला जो MT5 का ऑप्शन है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो भूलना मत, ये आईडी वहाँ पे डालना होता है, जिससे कि आपका जो बैलेंस इधर आप डिपॉजिट कर रहे हो वो सीधा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अपडेट हो जाएगा बिना किसी किचकिच के, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ डालनी होती है, लॉगिन आईडी, ठीक है। और यहाँ पे वो लॉगिन आईडी डाल देना, और ऊपर अमाउंट आप जो भी, मतलब QR पे आप अमाउंट सेंड कर रहे हो डिपॉजिट के लिए, ठीक है, तो वो अमाउंट यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे $10 आई थिंक मिनिमम डिपॉजिट होता है, देखते हैं $5 होता है कि नहीं होता। ओके, तो ना इधर सिर्फ $10 का मिनिमम डिपॉजिट है, तो $10 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। $10 का डिपॉजिट मिनिमम इधर है। तो ये MT5 नंबर में MT5 का जो, मतलब लाइव अकाउंट का जो, मतलब लॉगिन आईडी है वो डालना होता है, फिर आप उधर अमाउंट डाल सकते हो, QR पे आप जो है पेमेंट कर सकते हो अपने क्रिप्टो का, USDT का, और इधर आपको ये अपलोड करना होता है, ठीक है। ये यहाँ पे जो ट्रांसफ़र का प्रूफ होता है उसको आप अपलोड करने के बाद सेंड रिक्वेस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो ये 1 से 2 मिनट के अंदर ये, मतलब आपकी पेमेंट को वेरीफाई करके आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अपडेट कर देगा, ठीक। तो बहुत सिंपल डिपॉजिट का प्रोसेस है, आप इजीली इसको डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। और विड्रॉल इसका 30 मिनट के अंदर आ जाएगा, चाहे कितने भी लाखों डॉलर्स का आपका विड्रॉल हो। अगर आप ये USDT मतलब क्रिप्टो वगैरह यूज़ करते हैं, तो लाखों डॉलर के विड्रॉल्स भी 30 मिनट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्लिक करके आपको प्रूफ, मतलब अपलोड करना पड़ता है, और ये अपलोड करना मत भूलना, इसी से आपका मतलब पेमेंट जो है वेरीफाई होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप डिपॉजिट करना, हमेशा प्रूफ इधर अटैच करना, बिना प्रूफ अटैच के आपका डिपॉजिट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उसी से क्या होता है कि आपके पेमेंट को वेरीफाई किया जाता है। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत इजी डिपॉजिट होता है। तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है।